जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है 79.76। अरे भाई, कहना मुश्किल है कि डॉलर के मुकाबले रुपया ज्यादा तेजी से गिर रहा है या सरकार का स्तर। इससे पहले कि आप नाराज हो जाएं, अपने नथुने फुलाकर कमेंट सेक्शन में आकर गाली गलौज करके संस्कारों का परिचय दें, मैं आपको बता दूं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे। जी हां, आज डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, प्रधानमंत्री खामोश हैं, मगर इसे कितना बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था जब वो विपक्ष में थे, उसकी मैं आपको झलक दिखाना चाहता हूं। साथ ही कार्यक्रम में मैं आपको अंत में जाके ये बताऊंगा कि दरअसल रुपया क्यों गिर रहा है, क्या इसके लिए वाकई मोदी सरकार जिम्मेदार है। मगर सबसे पहले सुनिए, आज से कई सालों पहले की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त की मनमोहन सिंह सरकार को किस तरह से तंज कसा था, सुनिए। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाए, इसकी कंपटीशन चल रही है। और मित्रों, बात यहां नहीं रुकी थी, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उस वक्त प्रधानमंत्री ने इसे देश की साख के साथ जोड़ दिया था। उन्होंने ये तक कहा था कि हमारे व्यापारी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर व्यापार नहीं कर पाएंगे, तो प्रधानमंत्री कहां गए आपके वो आंसू, कहां गए आपकी वो चिंता, अपने ये शब्द भूल गए आप। सुनिए, जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर चलाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल हो। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे पर कितनी बार कहा था। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी सवाल उठा रहा है, मोदी की चुप्पी आखिर, जो लगातार रुपया गिर रहा है डॉलर के मुकाबले, उस पर मोदी चुप क्यों है। इससे पहले भी, यानी कि जैसा मैंने आपको बताया, इसे भारतीय जनता पार्टी ने बार बार बड़ा मुद्दा बनाया। देखिए साहब, तो यह 8 साल पुराना बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एबीपी न्यूज पर इसे एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाते हुए, फिर आज से 8 साल पहले ये सवाल पूछ रहे हैं कि रुपए की गिरती कीमत के लिए जिम्मेदार कौन है। जो अभी अभी मैंने आपको बयान सुनाया, उसमें भी सुनिए, प्रतिस्पर्धा है केंद्र सरकार और गिरते रुपए के बीच। और एक और बयान, और यह भी बयान आज से 10 साल पहले दिया गया था, जिसमें रुपए की गिरती कीमत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जतलाई थी। मगर आज बड़ा सवाल हम सबके सामने, क्या वाकई डॉलर के मुकाबले जो रुपया का स्तर लगातार गिर रहा है, उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है या उसके लिए सिर्फ मोदी सरकार जिम्मेदार है। आज तथ्यों के आधार पर मैं आपको इसका जवाब देने वाला हूं, और मैं आपको यह भी बता रहा हूं या बताने वाला हूं कि इस देश में किन चीजों का स्तर गिर रहा है, इंतजार कीजिएगा। मगर सबसे पहले दोस्तों, एक एक करके आपके स्क्रीन पर पूरी तफसील के साथ मैं आपको बता दूं, ये रिसर्च जो मैंने कोलेट की है, ये 3 एजेंसीज की शोध के आधार पर, डॉयचे वेले, बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडिया टुडे, तीनों के लेखों के आधार पर मैंने ये रिसर्च, ये शोध जो है, मैं आपके सामने ला रहा हूं। सबसे पहले दोस्तों, पहला कारण जिसकी वजह से आज डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है, आपके स्क्रीन पर,
रुपए के गिरने के सबसे बड़े कारणों में से विदेशी निवेशकों के भारत से अपने निवेश को निकाल लेना बताया जा रहा है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 6 महीने में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत से करीब 2,320 अरब रुपए निकाल लिए हैं। विदेशी निवेशकों का पैसा निकाल लेना इस बात का संकेत है कि वो भारत को इस समय निवेश के लिए सुरक्षित नहीं समझ रहे हैं। यह आंकड़ा बहुत बड़ा है दोस्तों, 2,320 अरब, और इतने पैसे निकालनी है विदेशी इन्वेस्टर्स ने। इसके कई कारण हो सकते हैं, मगर एक कारण जिस पर हम सबको गौर करने की जरूरत है कि क्या हम देश के अंदर ऐसा माहौल बना रहे हैं जिसके चलते बाहर के इन्वेस्टर्स यहां पैसा लगाने से डर रहे हैं। क्या हम अनाप शनाप मुद्दों को जो है ज्वलंत बना रहे हैं, समाज के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, अगर देश के अंदर हिंदू मुस्लिम तनाव बना रहेगा, अराजकता बनी रहेगी, तो कौन आके इन्वेस्ट करेगा भाई? कारण नंबर 2 आपके स्क्रीन पर, गिरावट का एक बहुत बड़ा कारण डॉलर सूचकांक का लगातार बढ़ना भी बताया जा रहा है। इस सूचकांक के तहत पाउंड, यूरो, रुपया, येन जैसी दुनिया की बड़ी मुद्राओं के आगे अमरीकी डॉलर के प्रदर्शन को देखा जाता है। सूचकांक के ऊपर होने का मतलब होता है सभी मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती। ऐसे में बाकी मुद्राएं डॉलर के मुकाबले गिर जाती हैं तो ये गिरावट सिर्फ रुपए में नहीं है, ये गिरावट दुनिया की तमाम बड़ी करेंसीज में है। लिहाजा इसका दोष सिर्फ मोदी सरकार की नाकाम आर्थिक नीतियों पर मढ़ना सही नहीं होगा। जी हां, सिर्फ उनकी नाकाम आर्थिक नीतियों पर इसका दोष मढ़ना सही नहीं होगा। इंटरनेशनल हालात कुछ ऐसे हैं जिसके चलते ऐसा हो रहा है। कारण नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, रुपए की गिरावट का तीसरा कारण यूक्रेन युद्ध माना जा रहा है। युद्ध की वजह से तेल, गेहूं, खाद्य जैसे उत्पादों जिनके रूस और यूक्रेन बड़े निर्यातक हैं की आपूर्ति कम हो गई है और दाम बढ़ गए हैं। चूंकि भारत विशेष रूप से कच्चे तेल का बड़ा आयातक है, देश का आयात पर खर्च बढ़ गया है, यानी कि इंटरनेशनल रीजंस, इंटरनेशनल कारण, और उसमें एक बहुत बड़ा कारण रूस और यूक्रेन का युद्ध और उससे जुड़ी पेचीदगियां जिसका जिक्र मैंने अभी अभी आपके सामने किया। कारण नंबर 4 आपके स्क्रीन पर, रुपए के अलावा यूरो भी डॉलर के आगे गिर रहा है। मंगलवार को यूरो गिरकर डॉलर के मुकाबले पहुंच गया। ऐसे में इससे पहले सिर्फ 2002 में हुआ था और अब हुआ है। माना जा रहा है कि इसका कारण भी निवेशकों का यूरो जोन से पैसे बाहर निकालकर अमेरिका में डालना है। अब इससे पता चलता है दोस्तों कि जिस तरह से भारत में से इन्वेस्टर्स अमेरिका में लगा रहे हैं वही जो है यूरो के साथ हो रहा है। मगर यूरो का स्तर, यूरो करेंसी का स्तर डॉलर के मुकाबले जो गिर रहा है दोस्तों, उसका सीधा असर भारतीय रुपए पर भी पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरह से डॉलर से रुपया जुड़ा हुआ है उसी तरह से यूरो से हमारा रुपया भी जुड़ा हुआ है। 5वां और आखिरी कारण, अमेरिका और चीन के बीच जारी ट्रेड वॉर और इसके चलते दुनिया पर लोगों का डॉलर पर बढ़ता भरोसा, रुपए की इस गिरावट के पीछे ये एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर इस ट्रेड वॉर के चलते लगातार डॉलर में दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है और डॉलर की जमकर खरीदारी हो रही है। वहीं दुनिया भर में उभरते बाजार की मुद्राओं को नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत उभरते बाजार की मुद्रा है और अमेरिका और चाइना के बीच तनाव लगातार बने हुए हैं, और ये तनाव सिर्फ सैनिक तनाव नहीं है, सामरिक तनाव नहीं है, दोनों के बीच में ट्रेड वॉर भी चल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 5 कारण, और इसमें इंटरनेशनल हालात हावी हैं, पूरी तरह से मोदी सरकार की नाकाम आर्थिक नीतियों पर इसका दोष बढ़ना सही नहीं होगा। मगर अब भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपको अनाप शनाप और अनर्गल बयान नहीं देने चाहिए, क्योंकि डॉलर के मुकाबले जो रुपए की गिरती स्तर के लिए मोदी सरकार उतनी ही जिम्मेदार है जितना कि मनमोहन सिंह सरकार जिम्मेदार हुआ करती थी 2014 से पहले। मगर आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी ने इसे कितना बड़ा मुद्दा बनाया था। मगर इसका असर क्या पड़ने वाला है,
क्योंकि सरकार की चुनौती यहां से शुरू होती है। सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि वो देश के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर माकूल माहौल बनाए। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बाहर का रास्ता दिखलाया गया, नवीन जिंदल को धक्के मार के बाहर, फिर एक छोटा सा नफरती चिंटू था, उसका नाम शायद अरुण यादव था, भाजपा आईटी सेल का कुछ छोटा मोटा अधिकारी था, उसे भी ताड़ लगाई गई थी। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो हैं नफरती बयान दे रहे थे, जिसके चलते भारत की साख पर असर पड़ रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने बाकायदा अपने प्रवक्ताओं को एक फरमान जारी किया था जिसमें कहा था कि आप दूसरे धर्म पर अनर्गल टिप्पणियां नहीं करेंगे। कितने अजीबोगरीब बात है ना कि सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी को यह बात कहने की जरूरत पड़ रही है। क्यों? क्योंकि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय साख पर असर पड़ रहा है और इस नफरत की कीमत भारत अब जाकर चुकाने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार को यह बात अब समझ आ रही है। इसलिए आपने देखा होगा एक अरसे से, पिछले कुछ अरसे से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनाप शनाप बयान नहीं दे रहे हैं। संबित पात्रा चुप, गौरव भाटिया चुप, प्रेम शुक्ला चुप, इनके कोई भी विवादास्पद बयान कम से कम मेरे सामने पिछले एक आध महीने से सामने उभर कर नहीं आए हैं, जब से नुपुर शर्मा मामले पर बीजेपी ने उन्हें पार्टी से निकाला और फिर उन्होंने एक फरमान जारी किया था अपने पार्टी के प्रवक्ताओं के लिए। मगर जैसे कि मैंने कहा दोस्तों, इसका असर पड़ेगा और इसका क्या असर पड़ेगा मैं आपको बतलाने वाला हूं आपकी स्क्रीन पर। जबरदस्त महंगाई दोस्तों, और इसकी क्या पेचीदगियां हैं आपके स्क्रीन पर। रुपए के कमजोर होने के आसार से आम आदमी के लिए होम लोन भी महंगा हो जाता है। लिहाजा साफ है कि जब डॉलर के मुकाबले रुपए में लगातार गिरावट का दौर जारी है तो यह वक्त नए होम लोन लेने का नहीं है। इसके अलावा कमजोर रुपए के चलते देश का आयात यानी इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। ऐसे वक्त में जब कच्चे तेल की कीमत पहले से ही ऊंचे स्तर पर चल रही है, कमजोर रुपया सरकारी खजाने पर अधिक बोझ डालता है और सरकार का चालू खाता घाटा बढ़ जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आज की तारीख में ये तमाम फैक्टर्स हैं जिसके चलते डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। मोदी सरकार इससे दामन नहीं झाड़ सकती, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी और देश के अंदर लोग आके इन्वेस्ट करें इसके लिए माहौल बनाना पड़ेगा। सरकार को यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस तेजी से डॉलर के मुकाबले रुपया गिर रहा है उसी तेजी से देश का माहौल ना बिगड़े। सरकार को यह प्रमाण देना पड़ेगा कि भारत की जो ताकत है, हमारा लोकतंत्र, वो कभी दागदार ना हो। और अगर पिछले 8 सालों में कुछ हुआ है, भारत का लोकतंत्र लगातार कमजोर हुआ है। संस्थाओं का, हमारे राजनेताओं पर पकड़ जो है, खासकर सत्ताधारी पॉलिटिकल पार्टी पर जो पकड़ है, वो कमजोर हुई है। क्योंकि देखिए, दुनिया को हम सॉफ्ट पावर के तौर पर किन चीजों को पेश करते हैं? हमारा मीडिया, हमारी फिल्में। आज दोनों की हालत खराब है। साउथ की तरफ आप नजर डालें, यानी कि जो साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, चाहे तेलुगु, मलयालम या तमिल इंडस्ट्री, वहां से बेहतरीन फिल्में आ रही हैं, मगर बॉलीवुड बर्बाद हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपने बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स सब में एक डर का माहौल पैदा कर दिया है। आप अपने पसंदीदा अभिनेताओं को तो उछालते हैं, मगर जो आपसे अलग राय रखते हैं उन पर आप निशाना साधते हैं और उसका सीधा असर हमारी सॉफ्ट पावर बॉलीवुड पर पड़ रहा है। उसी तरह से हमारी डेमोक्रेसी, इन्वेस्टर्स क्यों भारत में आना चाहते हैं? क्योंकि वो देखते हैं कि भारत में, भारत की आबादी जो है कुछ ही दिनों में चीन के आगे हो जाएगी। वो एक मार्केट देखते हैं, मगर उससे भी बड़ी बात वो देखते हैं यहां डेमोक्रेसी है और इस डेमोक्रेसी के तहत मेरी आवाज सुनी जाएगी। जब वो डेमोक्रेसी ही तार तार कर दी जाएगी तो इस सवाल का जवाब दीजिए, कौन आकर इन्वेस्ट करना चाहेगा? बताइए बताइए, कौन आकर इन्वेस्ट करना चाहेगा? इन तमाम फैक्टर्स से मोदी सरकार मुंह नहीं मोड़ सकती। लोकतंत्र को मजबूत कीजिए, जवाबदेह बनिए, न्यायिक संस्थाओं को मजबूत कीजिए, उन्हें तार तार मत कीजिए, मीडिया को बर्बाद करना बंद कीजिए। खैर, वो तो खैर बर्बाद हो ही चुके हैं। इन तमाम फैक्टर्स पर गौर कीजिए, तभी हम इन तमाम चीजों से उबर पाएंगे और तभी रास्ता साफ होगा एक स्वर्णिम भविष्य के लिए, एक प्रगतिशील भारत के लिए।
नमस्कार।